और इस बीच अपडेट आपको एक दे दें, खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं मुख्यमंत्री, अनिल देशमुख का इस्तीफा उद्धव ठाकरे ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, राजेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ रौनक कुकड़े भी मौजूद है। राजेश, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही, इस्तीफा हो जाएगा आज? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हलचल बढ़ रही है, वर्षा बंगलों के पास और उसी के बगल में अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनका बंगलो, हलचल को देखते हुए लग रहा है कि देर रात जो है जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें भारी उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने जो 7 पेज का एक लेटर लिखा है उद्धव ठाकरे को, उसमें बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं और खबरें तमाम सी जो है इसमें आ सकती हैं। पूरा यहां पर वर्षा बंगलों के पास पूरा मीडिया का जमावड़ा हो गया है, तमाम सारे लोग यहां पर आने जाने की गतिविधियां बढ़ गई हैं, पुलिस बल यहां पर बढ़ाया जा रहा है, तो जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहां हलचल बढ़ रही है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। फिलहाल अभी अखिलेश इसमें थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसमें हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन सियासी हलचल भी बहुत तेज है और जैसा कि राजेश बता रहे थे, बड़ी खबर यह है, ताजा जानकारी यह है कि किसी भी वक्त गृह मंत्री का इस्तीफा हो सकता है, अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग सकते हैं मुख्यमंत्री। जैसे ही इससे जुड़ी कुछ और जानकारी सामने आएगी, कुछ अपडेट होगा, आप तक हम आगे पहुंचाएंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।